पूरा देवघर घूमना पड़ गया। बात करें तो यहाँ पर जितना भी प्लेस जा रहा हूँ लगभग सब देखता हूँ धार्मिक प्लेस है। एक यही एक नंदन पहाड़ी है जो कि एक लगता है कि धार्मिक प्लेस नहीं है, तो नंदन प्लेस घूमा जाए। प्लेस का एंट्री आपको जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पर मिलेगा टिकट, तो हम लोग चलते हैं टिकट लेने। ₹10 का टिकट कटवाना होता है और एंट्री के साथ देखिए हमें सबसे पहले क्या नजर आया। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर आपको बैठने उठने के लिए तो बनाया हुआ है यार, रॉक पे है तो उतना छांव वगैरह नहीं दिखेगा, पेड़ वगैरह नहीं दिखेगा। ऐसे घुसते के साथ मुझे रांची के रॉक गार्डन का याद आ गया। पर हमें बाबा जी का दर्शन हो ही गया, मतलब कहीं जाइए आपको बाबा जी का प्रतिमा मिलेगा ही मिलेगा। ये है का, ये है आपका देवघर की खास बात। और एक खास बात बताऊं आपको, वो देखिए क्या नजर आ रहा है, यहां से आपके देवघर पूरा नजर आने वाला है। अंदर चला जाए देखते क्या। अंदर आने पर हमें क्या दिखा, ये है एक बैठकी मेरे ख्याल से, और ये देवी जी कौन है, ओहो, ये रात में लगता है यहाँ लाइटिंग का व्यवस्था है और इनसे पानी गिरता होगा। हर पार्क की एक ही कहानी है, तो ये बच्चों के लिए है पर यहाँ बच्चे कोई नजर नहीं आते हैं। कुछ ऐसा नजारा है यहाँ से मेरे को, क्या क्या नजर आ रहा है, पहला तो आपको ट्रेन का पटरी नजर आ रहा है और दूसरा ये आपका डैम है जो कि पानी सूखा हुआ है, बहुत कम पानी है पर यहाँ से काफी बढ़िया नजर आ रहा है। पार्क तो है छोटा सा पर यहाँ आने पर बस एक बात खास नजर आया कि भाई हाइट पे चढ़िए और खड़े खड़े देवघर को नाप लीजिए।
चंदन पहाड़ी का पार्क है, ये पार्क असल बच्चों के लिए ही बना है। पता क्यों? क्योंकि यार यहाँ घुसने पर यहाँ पर बच्चों के लिए वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो होना चाहिए। पहला तो आपका मछली घर है, दूसरा हंसी घर है, तीसरा भूत बंगला है, और झूला का तो भरमाल है, तीन चार तरह के झूला है, कार है, और सबसे बड़ी बात टिकट का रेट पार्क काफी कम है, 2 रुपया इतना तो शायद रहता होगा। और आपका हिल पे है तो काफी अच्छा व्यू भी देखने को मिल जाता है, तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी आके इसका आनंद आराम से ले सकते हैं। ऐसा देख के लग रहा है पानी इतना सूखा हुआ है यार, तो बोटिंग मेरे को लगता नहीं है कि करवाता होगा। ऐसे डैम देखा जाए तो यहाँ से दिख रहा है, देख सकते हैं छोटा सा लग रहा होगा, आदमी नहाते हुए भी नजर आ रहा है यार। एक बात बोलूं, अगर आप देवघर आते हैं तो आपको नंदन पार्क क्यों आना चाहिए, मतलब नंदन पहाड़। पहला बात यह है कि अगर बच्चे हैं साथ में तो बच्चे को तो सच में बहुत ही आनंद आने वाला है, और इवनिंग का टाइम रहे तो सुभान अल्लाह। और दूसरा, ये बड़ों को इसलिए आना चाहिए, भाई देवघर घूमने आया हूँ तो देवघर एक बार पूरा देखना है, तो आप आइए नंदन पहाड़, क्योंकि ये तो है आपका हिल शहर के बीचों बीच, तो यहाँ से लगभग देवघर आपको सारा नज़ारा आपको एकदम साफ साफ नज़र आता है, तो देवघर देखना है तो नंदन पहाड़ जरूर आइए। सबसे खास बात हमको क्या लगा है पता है, 10 किलोमीटर के रेडियस में सारा चीज अवेलेबल है, मतलब आप आइए और 10 किलोमीटर के रेडियस में आप पूरा देवघर में जितना भी घूमने का जगह है आराम से घूम सकते हैं, और घूमने में प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 या 2 दिन में कम्प्लीटली पूरा देवघर आराम से घूम सकते हैं। का सेंटर है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको जितना दूर तक नजर आएगा पार्क उतना ही बड़ा है, मतलब पीछे तक जितना, पीछे आगे जितना आपको नजर आ रहा है, मतलब इतना दूर में सीमित है, जो भी है तो इतना ही है। छोटा सा पार्क है, छोटा सा पार्क में आपको लगभग सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और बड़ों के लिए शायद भी। यार पार्क में जितना घूमना था घूम लिया, अब आराम भी कर लिया, अब निकलना चाहिए।